विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणी धरे। सुर कवित सुनी कौन कवि, जो नाही सिर चालन करे। तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में, और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी, और हिंदी का फोर लेसन जो कि है छपय। छपय का मतलब जो छह लाइनों से बना है उसे छपय कहते हैं। हम छपय को आपको पूरा अर्थ नहीं बता रहे, बस छह लाइनों में बना है उसे छपय कहते हैं। और पता है इसलिए लेसन बड़ी मजेदार है, और ये अब लेसन देखने के बाद ना पूरी जिंदगी संवर जाएगी कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है और कौन नौटंकी करने वाला भक्त है। ठीक है, क्योंकि एक होता है कि गॉड को दिल से माना जाता है, और एक होता है कि दिखावे के रूप में मानता है। इसी के बारे में हम बड़ी ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक व्यक्ति हैं, एक कवि हैं, जिनका नाम है नाभादास। नाभादास के द्वारा एक छपे यानी छह लाइनों द्वारा एक तरह से कह सकते हैं छंद लिखा गया है। छह लाइनों का छंद लिखा गया, उसी के बारे में जानते हैं। अब याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा आप। क्या याद रखना है? नाभा पूछ देगा कि नाभादास ने कौन से लेसन लिखा है, कौन सा पाठ लिखा है, समझिएगा। तो नाभादास ने छपय लिखा है। नाभा मतलब जो पेट में नाभि होता है, समझ रहे हैं। नाभि को आप हमेशा छिपा के रखते हैं ताकि कोई नज़र नहीं लगा दे। ऐसा गांव में मानना है ना कि नाभि को ढक करके रखो, छिपा करके रखो। वैसे ही याद रखिएगा, नाभि का बात आएगा तो छिपाने का बात याद रखिएगा। अब हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बताइए नाभादास ने क्या लिखा है, तो छिपाइएगा ना, नाभि को छिपाइएगा, तो छपय लिखा है। ऐसे ही ट्रिक मजेदार, ये आपको इसका ऑब्जेक्टिव रिलेशन देखते ही, जैसे ही हम आप पढ़ा देंगे, आपको एक एक ऑब्जेक्टिव और एक एक प्रश्न उत्तर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आपको याद हो जाएगा। आपको कहीं से याद करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नाभादास जी है, और नाभादास जी से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनेगा कि नाभादास किसके समकालीन कवि थे। समकालीन का मतलब क्या हुआ, उस समय वो भी अपना कविता लिख रहे हैं, और उस समय कोई दूसरा भी कवि अगर कविता लिख रहा है तो ये दोनों एक ही समय में तो लिख रहे हैं ना। मान लीजिए कि ये 2023 चल रहा है, और इसमें अगर कोई आप पढ़ रहे हैं और दूसरा कोई भी आपका फ्रेंड पढ़ रहा है, तो आप क्या कहेगा, हम लोग समकालीन पढ़े हैं, यानी एक ही समय में पढ़े हैं। ठीक है, वही बात है कि नाभादास किसके समकालीन कवि हैं, तो याद रखिए गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कवि हैं। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसमें इससे चार से पांच ऑब्जेक्टिव ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा नाभादास जी तुलसीदास, यहाँ समझिएगा, यहाँ पे याद है नाभादास जी तुलसीदास के क्या हैं, समकालीन कवि थे। यानी याद रखिएगा तुलसीदास के समकालीन कवि है। इनके जन्म के बारे में कुछ पूर्णतः जानकारी नहीं है, ऐसे लगभग में 1570 में जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1600 के करीब हो गई थी। ठीक है, याद रखिए ये दक्षिण भारत के कवि थे। कहाँ के कवि थे, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत समझ ना, ऐसे जब इंडिया का मैप आप बनाते हैं तो नीचे वाला इलाका, ये भी जानकारी पूर्णतः नहीं मिला है, अज्ञात है कि ये दक्षिण भारत में कहाँ से थे। ठीक है, लेकिन जब इनके पिता की मृत्यु हो गई ना, पापा की मृत्यु के बाद जानते हो क्या हुआ, परिवार की स्थिति बहुत ही खराब हो गई, और उनकी माँ मतलब अकाल पड़ गया, और उनके फैमिली में अकाल पड़ने भूखमरी जब आ गई, तो उनकी माँ उनको लेकर के जयपुर प्रवास करी, यानी वहाँ से जयपुर राजस्थान का इलाका में चली गई। ठीक है, वो उधर ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब वो जात के कौन से जात के थे, अब देखें ना, छोटे और बड़े जात होता है, वैसे इसमें जात के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख, यहाँ पे लिखा है पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि। उनका सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वो दलित वर्ग से थे। यूँ कहें तो दलित वर्ग में आपका आ जाएंगे, जैसे कि डोम होता है, चमार होता है, दुसाद, ये जो वर्ड होता है, ठीक है, ये जो जात होता है, इस दलित वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो ये इसी वर्ग से आते थे, दलित वर्ग से। नाभादास जी दलित वर्ग से आते थे, लेकिन इनमें एक क्वालिटी थी कि ये जात के आधार पर किसी का सिलेक्शन नहीं करते थे कि तुम बेस्ट हो, तुम खराब हो, तुम अच्छे हो, तुम ये जिस तरह नहीं करते थे। वो हमेशा भक्तों को, यानी कि याद रखिएगा, ये भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल का मतलब क्या होता है, वैसा समय जिस वक्त कुछ कवियों ने मिल करके लोगों के अंदर भगवान के प्रति भक्ति की भावना जगाई हो। कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आता है ना कि चलो थोड़ा सा भगवान की भक्ति की भावना सबके अंदर जगाते हैं, भगवान को सभी लोग मानेंगे कैसे, थोड़ा सा उनके अंदर कोई भावनाओं को जगाते हैं। ये उस काल के कवि हैं। तुलसीदास भी उसी काल के कवि हैं, ये भी लोगों के अंदर भक्ति जगाए, इसीलिए भक्ति काल के कवि हैं। अब परिवार की स्थिति तो खराब हो गई बाबू, तो उनका पालन पोषण यानी प्रतिपालन जो देख रेख करता था, जैसे कि अनाथ आश्रम होता है ना, उसी टाइम में वो रह रहे थे। ठीक है, प्रतिपालन की देख रेख में स्व अध्याय उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन शिक्षा ग्रहण कैसे की, उनकी देख रेख में उनके गुरु लोग थे, लेकिन खुद से शिक्षा ग्रहण की। बस आप बताइए कि
आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाते हैं और स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है तो खुद से किताब पढ़ते हैं, लेकिन कोई लापरवाही करते हैं तो टीचर आपको डांटते हैं, भले टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए लेकिन लापरवाही करने पर डांटते हैं। यानी किसी के ध्यान में रह करके और आप पढ़ाई करते हैं ना, वही बात है, खुद से स्वाध्याय किया है लेकिन किसी के प्रतिपालन की देखरेख में और सत्संग से भी शिक्षा ग्रहण किए, साधु महात्मा लोग बैठ करके और वहाँ पर क्या ज्ञान की बातें करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सत्संग कहते हैं। सत्संग द्वारा ही कुछ ज्ञान का अध्ययन किसने किया है, नाभादास ने किया है। इससे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है, एक ही बनेगा कि यहां पे नाभादास के समकालीन कवि कौन है, तो तुलसीदास है, ये याद रखिएगा। इन किसमें किसमें इनकी रुचि थी, भाई लड़का को पढ़ने में रुचि होगा ना, तो यहां देखिए, लोक भ्रमण में था, भगवत भक्ति में था यानी भगवान विष्णु की भक्ति करने में था, ठीक है, काव्य रचना में था, वैष्णव दर्शन और चिंतन में था यानी वैष्णव दर्शन और चिंतन में था। यहां देखिए दीक्षा गुरु, अब जो भी इनके यहाँ पे गुरु थे जो देख रेख में कर रहे थे, याद रखिएगा। अब आप बताइए, जब आप गुरु की शिक्षा लेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, जरूर एकदम, ये तो कन्फर्म है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ज्ञापन अकेडमी के जरिए आप गुरु मानते हैं, अगर हम लोगों को गुरु मानते हैं तो कुछ ना कुछ आप सीख करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिएगा, जब नाभादास जी पढ़ाई कर रहे थे तो इनको आगे बढ़ाने के लिए अग्रदास है, अग्र माने आगे होता है, तो नाभादास जी को आगे बढ़ाने के लिए इनके गुरु क्या थे, अग्रदास है। और अग्रदास के भी तो कोई गुरु होंगे, हमारे भी तो कोई गुरु होंगे ना, वैसे ही इनके गुरु थे स्वामी रामानंद, याद रखिएगा, स्वामी रामानंद के शिष्य ये, और इनके शिष्य कौन थे, आपके नाभादास थे। तो आपसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि नाभादास के गुरु अग्रदास और अग्रदास के गुरु कौन है, तो रामानंद किसके गुरु हैं, स्वामी अग्रदास के गुरु हैं। क्योंकि अग्रदास का नाम कैसे याद रखिएगा, ट्रिक, आगे बढ़ाना है ना, तो नाभादास तो गरीब थे, दलित परिवार से आते थे, तो इनको आगे बढ़ाने के लिए इनके गुरु स्वामी अग्रदास आए थे, ठीक है। और वो किसने भेजा था इनको, तो भगवान राम ने भेजा था, ठीक है, माने भगवान के जरिए कहा जाता है कि भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो भगवान राम ने भेजा कि जाओ और नाभादास को क्या करो, आगे बढ़ाओ, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, वो अस्थायी निवासी वृंदावन के थे, और वृंदावन में याद रखिएगा व्रज भाषा बोला जाता है, व्रज भाषा वहाँ का स्थानीय भाषा है, जैसे बिहार का स्थानीय भाषा यहाँ सबसे ज्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं, वैसे ही वृंदावन में सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोलते हैं, व्रज भाषा वहाँ का स्थानीय भाषा है, ठीक है। कृतियाँ उन्होंने क्या क्या लिखा, ई ऑब्जेक्टिव में एक पूछेगा, कौन कौन ऑब्जेक्टिव में एक पूछेगा, तुलसीदास इनके समकालीन थे, तुलसी खाए हो ना, वही नाभादास के क्या होते हैं, समकालीन गुरु। और ये पूछेगा सबसे इम्पोर्टेंट, भक्तिमाला, इनकी कृतियाँ थी एक भक्तिमाला, इस भक्तिमाला किताब में पता है क्या लिखा गया है, भगवान के प्रति भक्तों का समर्पण, आखिरकार तुम्हारे दिल में भगवान के प्रति कितना समर्पण है, क्या क्या भगवान के लिए कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में भक्तमाला में लिखा गया। और ये भी जो लिखा गया ना, ये भक्तमाला की किताब जो है, भक्तमाला की किताब है, और उसी में से उठा के आपको दो छप लिखा गया है, तो याद रखिएगा, ये पूछेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ देगा भक्तमाला किसकी रचना है, तो भक्तमाला नाभादास का है, याद रखिए नाभा और भ है ना, तो भ से भक्तमाला, याद रखिएगा नाभादास द्वारा रचित किताब का नाम क्या है, भक्तमाला, यानी कि भक्तमाला है। और भक्तमाला में किसकी चर्चा है, भगवान के प्रति भक्तों की चर्चा है। और यह किताब कब से लेके कब तक लिखा गया है, तो 1585 से लेके 1596 के बीच इन्होंने अपनी सभी कृतियाँ लिखी, एक ही कृति नहीं, बहुत सारा है। अभी याद देखिए, अष्टयाम लिखे हैं, अष्टयाम दो ठो लिखे हैं, अब कहिएगा सर ये दो ठो क्यों लिखे हैं, एक ब्रज भाषा में लिखे हैं जो कि गद्य है, क्या आपसे पूछ दिया जाएगा, अष्टयाम जो ब्रज भाषा में है वो किस प्रकार का, क्या है यहाँ पे अष्टयाम है, तो ये गद है, क्या है, गद और पद होता है ना, तो गद है। और एक रामचरितमानस भी अष्टयाम लिखे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अष्टयाम ये होता क्या है, आठ पहर समझते हैं, आठ पहर को अष्टयाम बोलते हैं, जैसे जब 12 बजता है दिन में तो हम कहते हैं दो पहरिया हो गया, ऐसा बोलते हैं ना, वैसे ही पूरे दिन 24 घंटा, अभी मान लीजिए कि 12 बजे से लेके कल 12 बजे तक अगर बात करेंगे तो ये पूरा 24 घंटा में आठ पहर होता है, कितना पहर होता है, आठ पहर होता है, इसी को अष्टयाम बोलते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि अष्टयाम किसके द्वारा रचित है, ठीक है, तो ये नाभादास के द्वारा। तो तीन याद रखिएगा, भक्तमाला और अष्टयाम नाभादास के द्वारा रचित है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि तुलसीदास किसके समकालीन कवि हैं, या फिर नाभादास के समकालीन कवि कौन है, तो ये कौन हो जाएगा, तुलसीदास हैं, याद रखिए गोस्वामी तुलसीदास। इनकी विशेषताएं क्या थी, ये तो पूछेगा आपसे पूछेगा यहाँ पे कि जो नाभादास हैं वो किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल आप बोल दीजिएगा, लेकिन किस प्रकार के कवि हैं, तो यहाँ देखिए राम भक्त कवि हैं, यानी कि यहाँ पे सगुणोपासक, लिख लीजिएगा सगुणो
पासक, सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। ठीक है, आपसे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा कि नाभादास किस धारा के कवि हैं, धारा याद रखिएगा किस धारा के कवि हैं। तो नाभादास राम भक्त हैं, लेकिन उसके आगे लिख देना है सगुणोपासक। ठीक है, सगुणोपासक राम भक्त कवि हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इससे जो जो एक यहाँ बना, एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, दो और एक यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, तीन ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। बाकी इसमें जो लेसन में पूरा का पूरा ये छपे में लिखा गया उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया। नाभादास जी अपने बारे में इसमें नहीं लिखे, नाभादास जी दो कवियों के बारे में लिखे हैं कि आखिरकार ये कवि किस तरह से सोचते हैं और ये किस तरह से सोचते हैं। ठीक है, इसके बारे में जिक्र किया गया। ठीक है, यहाँ देखिए इन्होंने भक्त का चयन किस तरह से किया है। तो पता है इस भक्त किसको मानता है, ये देखिए धर्म के आधार पर भक्त नहीं मानता है कि तुम बड़े जात के हो तो तुम भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, क्योंकि पता है तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त क्यों, क्योंकि तुम महंगा वाला मिठाई ले जाके भक्त को खिला, भगवान को खिलाता होगा, इसीलिए क्या होगा आप बहुत बड़े धर्म के हैं तो बड़े भक्त हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ये हमेशा धर्म और संप्रदाय के आधार पर भक्त को नहीं पहचानते थे। बोल रहे थे कि बस भक्त होने के लिए पैसे रुपये की जरूरत नहीं है, सच्चा दिल होना चाहिए और दिल में भगवान को, खुदा को, गॉड को याद रखो, सच्चे दिल से मानो, वही भगवान के भक्त हैं। ठीक है, जाति और लिंग के आधार पर भक्तों की पहचान नहीं होती, निपुण और सगुण के आधार पर नहीं हो सकता है। ठीक है, का महत्व नहीं और वे वैष्णवता को ध्यान में, बस भगवान विष्णु का, ठीक है, वैष्णव धर्म अपना के भगवान विष्णु का किसी भी भगवान को दिल से मानते हो वही सच्चा भक्त है। अगर तुम बड़े जात के हो, बहुत पैसे वाले हो, ठीक है, तो सच्चे भक्त तब नहीं कहलाओगे जब तुम्हारे पास अच्छा दिल होगा, सच्चा दिल होगा और उसके जरिए आप भगवान को याद कीजिएगा, सही दिल से याद कीजिएगा, ठीक है, तो आप सच्चे भक्त कहलाएंगे। इसके बारे में जिक्र किया गया है। और ये नाभादास जी दो कवि, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, एक और ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्टिव बाबू यहाँ बन सकता है, समझिएगा। नाभादास जी किन दो कवियों के छपे के बारे में जिक्र किया या किन दो कवियों के बारे में अपने छपे में बताया, तो याद रखिएगा कबीर और सूरदास। याद रखने का ट्रिक क्या है, ट्रिक समझिएगा, सूरवीर याद रखिए, क्या रखिए, सूरवीर। नाभादास जी आप थोड़ा सा देखिए कि इनके पिता की मृत्यु के बाद अपना जीवन कैसे बिताए होंगे, बहुत कष्ट, ये बहुत सूरवीर थे। ठीक है, सूरवीर ने लड़ने वाला नहीं, हिम्मत वाले थे। ठीक है, काफ़ी इनके अंदर हिम्मत था, बहुत ही सूरवीर थे। तो सूरवीर से याद रखिएगा, नाभादास जी सूरवीर थे, सूर से हो जाएगा सूरदास, अवीर से हो जाएगा कबीर, ये दो कवियों के बारे में जिक्र किए हैं, ये याद रखना है आपको, और ये भी इनके समकालीन ही माने जाएंगे। ठीक है, अब कबीरदास में इन्होंने क्या क्या लिखा है, कबीर किस तरह के कवि हैं, इनके बारे में लिखा गया है। नाभादास जी कह रहे हैं कि चलिए हम जानते हैं कि कबीर क्या कहना चाह रहे हैं। कबीर कह रहे हैं, यहाँ देखिए, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म कर जाए, जो भक्ति से मुंह मोड़ लेता है, सच्चे दिल से भक्ति नहीं करता है, उसका जो भी धर्म है वो सब अधर्म के समान है। किसके समान है, अधर्म के समान है। आप किसी भी धर्म से आते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर खुदा, भगवान, गॉड जो भी है, इसके प्रति सच्चे दिल से अगर भक्ति नहीं करते तो उस धर्म में रहना ही बेकार है, वो सब बेकार है। ठीक है, वो सब अधर्म है, सभी धर्म क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन बिनु तुक्ष दिखाए, ये योग करना, आप तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब तुक्ष है, भक्ति के बिना, यानी कि भक्ति विमुख, भक्ति के बिना योग करना, दान करना सब बेकार है। ठीक है, हिंदू तुरक परमान रमणी सब दिशाखी, और पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। ये क्या कह रहा है, हिंदू और तुरक, हिंदू और तुरक माने मुसलमान, और यहाँ तीन गो वर्ड दिया है, रमणी सबदी साखी। अब ये क्या होता है तो समझिएगा, रमणी एक जिस तरह से ये छपे है ना, उसी तरह एक रमणी है, उसी तरह एक सबदी है, एक साखी है, और इस तीनों के तीनों दोहा में समझ जाओ, तीनों टाइप के दोहा में या छंद में, ठीक है, पूरा का पूरा छंद में आप कहीं नहीं देखिएगा कि ये हिंदू मुसलमान का बुराई किए या किसी के पक्षपात किए हो। ठीक है, ये रमणी शब्दी साखी, ये तीनों के तीनों प्रमाण देते हैं, सबूत देते हैं कि ये कभी भी हिंदू और मुसलमान का पक्षपात नहीं किए, किसी के पक्ष में नहीं बोले हैं, किसी का तारीफ नहीं किए, किसी का बुराई नहीं किए हैं। ठीक है, पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की बात है, और सभी के हित की बात किए, किसी के पक्षपात नहीं किए हैं। ठीक है, अरुण दशा है जगत पे मुख देखी नाही भनी, समझिएगा अरुण दशा, ये तो खैर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा
देखिए कभी कभी हम लोगों के साथ क्या होता है, जब किसी से काम रहता है ना तो उसका तारीफ बड़ी ज़्यादा करते हैं, ताकि वो समझेगा कि हमको ये बहुत मानता है और हमको सपोर्ट करेगा, यानी मुंह देख करके और हम लोग तारीफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उससे कभी ना कभी काम पड़ सकता है। लेकिन नाभा दास जी के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है कि किसी को मुंह देख के उसको कहने की ज़रूरत पड़े। यहाँ कह रहे हैं कि अरुण दशा है, ऐसा कोई उनके ज़िंदगी में दशा ही नहीं आया, ऐसा कभी समस्या ही नहीं आया कि किसी के सामने वो हाथ फैलाए और उनके मुंह देख करके उनका तारीफ करें। यहाँ समझिएगा, अरुण दशा है जगत पे, इस दुनिया में कभी ऐसा उनके साथ दशा ही नहीं आया, कोई दशा सवार ही नहीं हुआ, अरुण माने सवार होता है, कि वो किसी के मुख देख के और कोई बातें कहे उनका तारीफ करे। ठीक है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम पट दर्शनी। यहाँ समझिएगा, यहाँ कह रहे कानी का मतलब होता है मर्यादा, कबीर किसी भी मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं। मर्यादा का मतलब क्या, पुराने जमाने में जो भी रीति रिवाज चले आ रहे थे कि तुम बड़े कास्ट के हो, तुम छोटे कास्ट के हो, तुम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, उसी को क्या कहते हैं, वर्णाश्रम कहते हैं। श्रम माने होता है काम, यानी श्रम के आधार पर, काम के आधार पर वर्ण को बांट दिया गया, इंसानों को बांट दिया गया था। जैसे वर्ण चार प्रकार के होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं चार प्रकार, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये शूद्र क्या होता है, जो खेत में काम करते हैं ना किसान, उन्हें शूद्र बोला गया। ठीक है, जो आपको व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन्हें वैश्य बोला गया, और इसी से वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और तीसरा क्षत्रिय, जो लड़ाई करते हैं उन्हें क्षत्रिय बोला गया, और चौथा ब्राह्मण, जो ज्ञान देते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा गया। लेकिन आज देखिए ब्राह्मण एक जात बन चुका है, जाति बन चुका है, लेकिन ब्राह्मण उसको नहीं कहते हैं, जो ज्ञान देता है उन्हें पंडित या ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हम पुराने चीजों को, वर्ण को, चारों वर्ण को नहीं मानते, इसके मर्यादा का ख्याल हम नहीं रखते हैं। हम जो छह दर्शन है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये छह दर्शन को भी हम नहीं मानते, पुराने चीजों को नहीं मानते। हम एक ही चीज को मानते हैं कि भगवान का जो सब, भगवान को जो दिल से भगवान को मानता है, सच्चे दिल से भक्ति करता है, वही सच्चा भगवान का भक्त है, और वही जिस धर्म को मानेगा वो सार्थक होगा, अदरवाइज उसका धर्म क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। ये चीजें आप, ये कौन कबीरदास कह रहे हैं, ये मर्यादा का ख्याल नहीं रह सकते हैं। ये जो कबीरदास हैं, ये हमेशा याद रखेंगे, ये मर्यादा के जगह मधुर भाव को मानते हैं, और यानी क्या, किसी भी मर्यादा को नहीं मानते। भगवान राम क्या करते थे, मर्यादा को मानते थे। एक बार उनकी माँ बोल दी कि तुमको 14 वर्ष वनवास जाना है, तो कुछ नहीं पूछे और डायरेक्ट चले गए, क्या गलत क्या सही, तो ऐसे व्यक्ति को मर्यादा में रहना कहलाता है। लेकिन ये मधुर भाव को मानते हैं, प्रेम से हर व्यक्तियों के साथ रहते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं। ठीक है, और पुराने रीति रिवाज को तो ये मानते ही नहीं है। बोलते हैं कि देखो, अगर तुम वर्णाश्रम में तुम ब्राह्मण हो, तो जरूरी नहीं कि तुम ही भगवान के सच्चे भक्त हो, जो भक्ति करेगा वही भगवान का सच्चा भक्त होगा, गॉड का सच्चा अनुयायी होगा। ठीक है, बड़े हो जाने से, बड़े जात अपना लेने से, या बड़े जात में जन्म लेने से सच्चा भक्त नहीं कहलाओगे। आप बताइए थोड़ा देर के लिए, अगर मान लीजिए कि आप ब्रांडेड मिठाई ला के गॉड को खिला रहे हैं, गॉड को लोग चढ़ाने के लिए जाते हैं ना, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपका ब्रांडेड मिठाई देख करके और बोल आप ही को भगवान सब कुछ दे दे। दिल साफ रहेगा ना तो कुछ भी भगवान को दीजिए। भगवान तो पहले कुछ मांगते ही नहीं था, वो तो जबरदस्ती लोग लेके चले जाते हैं। आप देखिए, भगवान को थोड़ा सा चढ़ाया जाता है, लेकिन 4 kg मिठाई आएगा, पता है क्यों, थोड़ा सा चढ़ा के बाकी अपना मन किया होगा ना, बस अपना मन भर लेंगे। कभी भगवान किसी से बोले हैं कभी आज तक कि इतना मिठाई चढ़ाओ, और हम लोग भगवान से ही डिमांड करने लगते हैं, हम लोग भगवान को कहते हैं, तो हम लोग जाकर डील करने लगते हैं, कैसे कि भगवान हमको ये हो जाएगा तो हम ये मिठाई खिलाएंगे, हम आपको ये चढ़ाएंगे, तुम चढ़ाओगे उनको, जिसने पूरे सृष्टि को रचा है उनके पास कैसे कमी आ सकती है। लेकिन फिर भी एनीवे उस सब बातों को ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं सूरदास के बारे में। अब सूरदास के छपे को हम लोग देखें कि आखिरकार नाभा दास जी ने सूरदास के बारे में क्या बताया, कि सूरदास किस तरह के कवि हैं, और उनके हर एक कविता में, दोहा में, छपे में किस तरह का शब्द मिलता है जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उनके बारे में हम जानते हैं। समझेंगे याद यहाँ से, उक्ती चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी। कबीर दास की जो भी छपा यहाँ दिया गया, इसमें उक्ति होता है, उक्ति माने तरकीब, नया नया तरह का जब पढ़िएगा ना तो तरकीब, तरीका मिलेगा कोई काम करने का, इतना शानदार होता है। चौज यानी चमत्कार होता है, पढ़ने के बाद से आपका दिमाग खुल जाएगा, काफ़ी चमत्कार होता है। अनुप्रास होता है, यानी अच्छे तरह से इस छपा यानी कविता का सजावट होता है। वर्ण अस्थिति अति भारी, इसीलिए उनका कविता अति भारी लगता है, काफ़ी सुंदर लगता है। ऐसे भी अगर आप गाना के रूप में सुनना चाहते हैं तो ये ऐसे गाना के रूप में है, ऐसे सुनिएगा। उक्ति चौदनुप्रास वर्ण
स्थिति अति भारी, वचन प्रीति निरवही, अर्थ अद्भुत तुक धारी। ये कह रहा है, यानी वचन प्रीति, यानी इनका जो वचन है वो प्रेम के साथ शुरू होता है और प्रेम के साथ ही खत्म होता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में बड़ी मजेदार है और लास्ट में बोरिंग हो जाए, ऐसा नहीं होता है। किनके? सूरदास के जो भी कविता होता है, जो भी छपा है, जो भी छंद होता है, वो प्रेम के साथ ही शुरू होता है और प्रेम के साथ ही खत्म हो जाता है। काफी अद्भुत तुकधारी लगता है। अद्भुत तुकधारी यानी कि अद्भुत तरह का एक तुक होता है, अद्भुत तरह का एक अर्थ निकलता है, यहां समझिएगा। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भाषी, यानी कि अपने वो दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि यानी हृदय की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, पहले के जो ऋषि मुनि थे ना, आंख बंद करके और दूसरे जगह की चीजों को देख लेते थे, ऐसा उनके अंदर दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्ति थी। तो वही हर चीजों को प्रतिबिंबित कर लेते हैं दिमाग में छाया उतार करके, ठीक है। आंख इनका नहीं था, सूरदास है ना, आंख नहीं था, इनका कान से सुनाई नहीं देता था, लेकिन आंख बंद करके उसका प्रतिबिंब इनके हृदय में उतर जाता था और वो हरि लीला को मुंह से ही भास देते। पूरा का पूरा उनका जन्म कर्म गुण, भगवान के जन्म कर्म गुण रूप, इन सब का इनको ज्ञान था और अपने मुंह से यानी रसना से, अपने जीव से ही उसको प्रकाशित कर देते, उसको लोगों को बता देते थे, ऐसा सूरदास कर देते। ये कौन कह रहे हैं? नाभादास कह रहे हैं। नाभादास जी इनके बारे में बता रहे थे, विमल बुद्धि हो तासुकी, यहां समझिएगा, जो यह गुण श्रवणी धरे, यानी कि जो यह गुण, यानी कि जो इनका गाना वगैरह जितना है ये सुनता है, यानी कि श्रवणी धरे, सुनता है, अपने दिल में अपने मन में रखता है, उसका बुद्धि विमल हो जाता है। क्या हो जाता है? विमल यानी उनकी बुद्धि में वृद्धि हो जाती है, जो इनका क्या सुनता है, छपा या दोहा या कहानी सुनता है, ठीक है। और यहां देखिए, सुर कवित सुनी, कौन कवि, कौन ऐसा कवि है जो सुर के कविता को सुन करके अपना सिर चालन नहीं करता है, यानी सभी कवि हैं जो कि जैसे ही इनका कविता सुनते हैं तो अपना सिर चालन करते रहते हैं। जैसे कि आप गाना सुनते हैं ना, तो गाना सुनते हैं तो क्या करते हैं, सर ऐसे चालन करने लगते हैं, हिलाने लगते हैं, वाह क्या बात है, ऐसा करते हो ना, ठीक है, अपना रिएक्शन देने लगते हो, सर को हिलाने लगते हो। तो यही बात यहाँ कहा जाए, सुर कवित सुनी कौन कवि, यानी कि सूरदास की कविता को सुन के कौन ऐसा कवि है जो अपना सिर नहीं हिलाते हैं, सभी कवि क्या कहते हैं, करते हैं सिर हिलाते हैं। जैसे इसको कैसे बोला गया है, सुनिए, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धरे, सुर कवित सुनी कौन कवि जो नाहि सिर चालन करे। इस तरह से कुछ कहा गया, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इससे अब आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला ही ऑब्जेक्टिव कि नाभादास किसके समकालीन कवि थे, यानी जब नाभादास भी कवि बने थे यानी कविता अपने लिख रहे थे, उस वक्त और कौन कविता लिख रहा था, तो याद रखिएगा तुलसीदास लिख रहे थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा नाभादास के पाठ का क्या नाम है, तो नाभा का बात आएगा तो छिपाने की बात आपको करना है ना, तो याद रखिएगा छपय है, याद रखिएगा किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। और पूछा जाएगा नाभादास जो ये पूरा का पूरा छपय लिखे हैं, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नाभादास किस धारा के कवि थे, ये पूछा जाएगा। तो छपय मत मारिएगा, यहाँ देखिए स्वगुणोपासक राम भक्त कवि थे, याद रखिएगा वो किस धारा के कवि थे, राम भक्त कवि थे, राम भक्त थे लेकिन थोड़ा दूसरे तरह के थे। राम भक्त मतलब क्या होता है, भगवान राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी कि अपने मर्यादा का ख्याल रखते थे, अगर कोई भी उनके पिताजी अगर कोई उनको आज्ञा दे दें, ठीक है, तो वो उन आज्ञा का पालन करते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, ये ऐसा नहीं कहते हैं, थोड़ा सा अलग है, सही गलत की पहचान करके ही ये कोई भी फैसला लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको लेसन समझ में आया होगा, और लेसन समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, आपका लाइक हमें बताएगा कि आपको लेसन ये कितना समझ में आया है और आपकी प्रेजेंटी को दिखाएगा, अटेंडेंस बनाना होता है ना क्लास में, तो लाइक ही आपका अटेंडेंस बना देगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ, अगले कविता या छपा जो भी मिलेगा उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।